कैनवा को यूज़ करते हुए किस तरह एक टी शर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम कैनवा को यूज़ करते हुए किस तरह एक टी शर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। आज की जो ये वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी देखनी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए हम हमारी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं व्यूवर्स, हम आ गए हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो कैनवा की वेबसाइट है उसे ओपन कर लेना है। ये आप देख सकते हैं मैंने कैनवा की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सर्च बार में। आप सर्च बार में सर्च कर सकते हैं टी शर्ट्स। जब आप टी शर्ट्स को आप सर्च करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारे टी शर्ट के डिज़ाइन जो है यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि ऑलरेडी टेम्पलेट्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से भी आप जो टेम्पलेट ले सकते, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लैंक टी शर्ट क्रिएट कर रही हूँ, यानी कि अपनी खुद की टी शर्ट का डिज़ाइन मैं क्रिएट करूँगी। इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं आपको शो हो रहे हैं, लेकिन हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं। हमने जो अपना एक डिज़ाइन है वो क्रिएट करना है। यहाँ से आप जो है बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह, लेकिन अभी मैं यहाँ पे वाइट ही रखूँगी। ठीक है, यहाँ से आप जाके कलर्स जो है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से एलिमेंट्स से भी आप बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसा ग्राफिक्स वगैरह ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देन आप जो है ये वाले स्टिकर्स वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कोई ग्राफिक वगैरह लगा रही हैं, कोई आप पिक्चर वगैरह लगा रही हैं, तो उसके रेजोल्यूशन का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आप जो है टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट वैसे ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मैं जो अपनी टी शर्ट का डिज़ाइन है वो मैं अपना लोगो लगा के करूँगी। ठीक है, इस तरह। तो ये बिल्कुल आपको सेंटर में ले आएगा, आप यहाँ से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ये लाइन आ जाए, यानी कि यहाँ पर जो हमारा लोगो है ये बिल्कुल ठीक लग गया, तो आपने यहाँ पर इसके सेंटर में इसको ले आना है, ताकि जब टी शर्ट हमारी प्रिंट हो तो वो इसमें कोई भी खराबी ना हो। इस तरह आप जो अपनी टी शर्ट का डिज़ाइन है ऐसे एक पिक्चर लगा के भी कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से ये ले लूँ तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम कर देते हैं ब्लैक, इस तरह। तो ये देखिए, ये जो हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पर लिख दें शाजिया रमज़ान, इस तरह ये टेक्स्ट लगा के भी आप अपनी जो टी शर्ट का डिज़ाइन है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो एलिमेंट्स हैं वो भी लगा सकते, ये जो स्टिकर्स हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते। तो ये देखिए, इस तरह अगर हम हार्ट लगा दें तो बहुत ही एक अच्छा सा वो डिज़ाइन बन जाएगा। अगर आप इसको ब्रिंग टू फ्रंट लाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो डिज़ाइन है अगर हम सेंड बैकवर्ड कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसे डाउनलोड करके। तो आपने क्या करना है, शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और फिर आपने कर देना है डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। तो ये देखिए, हमारा एक बहुत ही एक अच्छा टी शर्ट का डिज़ाइन है जो कि क्रिएट हो चुका है। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ ताकि रेजोल्यूशन का भी आपको पता चल जाए। तो ये देखिए, हमारा जो रेजोल्यूशन है बिल्कुल क्लियर है। अपने टी शर्ट्स वगैरह आप कहाँ पे जाके सेल कर सकते हैं, आप जाइए टी स्प्रिंग के ऊपर, यहाँ पे अपनी जो आप टी शर्ट है उनको डिज़ाइन करके सेल कर सकते हैं। टी शर्ट नहीं बल्कि बैग्स, कैप, मोबाइल कवर और टी शर्ट्स वगैरह आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, इस तरह। तो यहाँ पे आके आप अपनी जो टी शर्ट है सेल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।